अगर आप लोग एक फोन से दूसरे फोन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो काफी अमेजिंग है। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप एक फोन से दूसरे फोन को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी को भी या फिर आपके दोस्त को किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है अपने डिवाइस में, तो आप उस डिवाइस का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने डिवाइस में और रिमोटली एक्सेस करके उनको हेल्प कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बट हाँ, इसका आप लोग मिसयूज कभी भी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सिंपल आपको अपने डिवाइस में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में आकर सर्च कीजिएगा ए पावर मिरर, तो आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इसी सेम एप्लीकेशन को आपको दूसरे डिवाइस में भी इंस्टॉल करना है, इस डिवाइस में जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। सिंपल आप सर्च बार में टाइप कीजिएगा ए पावर मिरर और यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, आपके इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी यह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों डिवाइस में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर ओपन करना है दोनों डिवाइस में। ओपन करने पर यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाए जाएंगे, इसको आपको एग्री कर लेना है। चाहे तो रीड कर लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस को, और जैसे ही आप एग्री करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको कट कर देना है, कट मार्क लगा देना है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल कुछ इस तरीके का इंटरफेस इस ऐप का दिखेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर नीचे जो है आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे दोनों डिवाइस में, ठीक है ना। दोनों डिवाइस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे लोकल कास्ट, एयर कास्ट, एप्स मी। तो अगर आप वायरलेसली कहीं से भी किसी भी डिवाइस को, अपने दूसरे डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं रिमोटली, तो आपको यहाँ पर सिंपल एयर कास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा लॉग इन करने के लिए। तो लॉग इन आपको करना क्या है, सिंपल आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लीजिए। यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए कंटिन्यू विथ गूगल है और फेसबुक से, दोनों से आप लॉग इन कर सकते हैं, और आप मैनुअली ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके भी लॉग इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और नीचे में क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं लॉग इन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको दोनों डिवाइस में लोकल कास्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल आप लोग दोनों डिवाइस में लोकल कास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा आपके डिवाइस को, यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पर डिवाइस डिटेक्ट कर लिया गया और यहाँ पर डिटेक्ट नहीं किया गया है, दोबारा से आपको यहाँ पर डिटेक्ट करवाना है, ठीक है ना। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, दोबारा से सर्चिंग किया जाएगा। तो जैसे ही आप डिटेक्ट कर लेगा आपका डिवाइस, तो देखिए कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिवर्स कास्ट एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके दूसरे डिवाइस में इनेबल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिवर्स कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस, इसको इनेबल करना है और यहाँ से फिर से इनेबल कर देना है। और यहाँ पर आपको ए पावर मिरर ऑफ दिखेगा, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ से अलाउ कर दीजिए, मतलब परमिशन आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको ऑन कर देना है इस ऑप्शन को, रिवर्स कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे और बैक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको अलाउ वंस कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। और देखिए अब जो है आपका डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप इस डिवाइस में जो भी कुछ करेंगे आपको एट ए टाइम यहाँ पर सब कुछ दिखेगा लाइव, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं इस डिवाइस को टच भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है सारा कुछ लाइव दिख रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऐप आप ओपन करेंगे इसमें भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो इसमें भी इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी अब आप यहाँ पर करेंगे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूट्यूब ओपन करेंगे, यहाँ पर भी ओपन हो चुका है यूट्यूब, ठीक है। सेम वीडियो सब कुछ आपको सेम दिखेगा। यहाँ पर मुझे छूना नहीं है, नहीं करना है, सिर्फ इसमें मुझे टच करना है। देखिए उसी टाइम एग्जैक्ट टाइम जो भी आप कुछ करेंगे यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। इतना ही नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप डायल पैड ओपन करेंगे तो इसमें भी डायल पैड ओपन हो जाएगा। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि सब कुछ आप कर सकते हैं। कैमरा देखिए ओपन किया मैंने तो इसमें भी कैमरा ओपन हो जाएगा, जबकि देखिए ये यहाँ पर रखा हुआ है और इसको मैंने उठाया, फ्रंट कैमरा ओपन किया तो यहाँ पर भी मेरा फोटो आ चुका है। मतलब कि एक फोन से दूसरे फोन को इसी तरीके से बिल्कुल ही आसानी पूर्वक कंट्रोल कर पाएंगे, कोई दिक्कत
नहीं होगी। वैसे इसका आप मिसयूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक एडुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आप किसी का हेल्प कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करके। तो काफी जबरदस्त ऐप है, आप एक बार जरूर इसको यूज कीजिएगा। और जब भी आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो सिंपल आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर ओपन करना है, और यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ डिस्कनेक्ट। सिंपल आपको डिस्कनेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए डिस्कनेक्ट हो चुका है। बस इस तरीके से, सिंपल तरीके से इस ऐप को यूज करके आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग आसानी पूर्वक एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि पूरी तरह से एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर हेल्प कीजिएगा इस प्रोसेस को फॉलो करके। और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं।